नमस्कार मित्रों, मैं आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा ये वीडियो रियल ट्रुथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे है। मेरे यहाँ इंडिया युग की एजुकेशन कैसी है, मैं ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आज ये वीडियो टिल द एंड तक ज़रूर देखिए आप, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिए और ज़रूर देखिए वीडियो। मैं एक इस आवाज़ को उठा रहा हूँ, इस मुद्दे को उठा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, देश के अंदर जो चल रहा है, पूरे यहाँ की, हमारे यहाँ के जो चाहे राजनीति हो, चाहे वो अफसर बैठे हों ऊपर, कोई भी एजुकेशन को सीरियसली नहीं ले रहा है, ये मानना पड़ेगा आपको। 3 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं, ठीक है, कि मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो ट्रुथ है मैं उसको बताना चाहता हूँ। 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट के, स्टार्टअप इंडिया चल निकले, कई गांवों को गोद लिया गया। जिन गांवों को गोद लिया गया, क्या वो अब चलने लगे? 3 साल में तो बच्चा भी चलने लगता है, तो क्या हुआ उनका? शुरू में वादे जो किए गए वो कहाँ, किस हद तक पूरे हुए, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं हुए हैं कि कोई भी चीज़ें जमीनी स्तर पर नहीं आई हैं। जो देखा गया है, जो भाषणों में देखा गया है, भीड़ को जुटाया गया है, उस हिसाब से काम नहीं हुआ साहब। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम शायद अब मीडिया वाले भी नहीं दिखाते हैं, आता ही नहीं है। जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया उठा था, उस मतलब कि जिस तरीके से आवाज आई थी कुछ ही टाइम पे, उसमें लगा था कि कुछ होगा, लेकिन 2-4 महीने तो उसका वो रहा, लेकिन उसके बाद ऐसे मेक इन इंडिया से बाहर हुआ, कहीं कोई आवाज़ ही नहीं है, कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है ना स्टार्टअप इंडिया में। स्टार्टअप इंडिया में कई सारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स को जो है मौका मिला था, कई एंटरप्रेन्योर्स जो है कोई जो बिजनेस कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मोदी गवर्नमेंट या फिर ये गवर्नमेंट जो है कुछ उनके लिए, स्टार्टअप्स के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरकार साहब, आज से 3 साल पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है। एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं हुआ है, 1% का बदलाव नहीं है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। अभी 1 साल पहले का आपने बिहार का देखा होगा, तो वहां पर भी वही स्थिति थी। टॉपर्स ऐसे निकल रहे हैं जिनको जो है नकल के दम पे टॉप कर दिया। बिहार का भी आज स्टेटस आपने न्यूज में सुना होगा, पहले 1 साल पहले, तो ऐसे लोग जो है टॉप करते रहे हैं, जो बिहार मतलब जो जिसमें शिक्षा व्यवस्था पे कितना बड़ा सवाल उठ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा टीचर नहीं है, ठीक है, ये आज भी है। केवल फोटो खिंचाना और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना या मीडिया में दिखाने के लिए उसको बता देना, इतना ही जरूरी नहीं होता है। जरूरी होता है तो चीजों को इम्प्लीमेंट करिए, जमीनी स्तर पर लाइए। जो आज का यूथ है, जो आज का युवा पीढ़ी है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको रोजगार चाहिए। रोजगार तभी मिलेगा जब उसको शिक्षा व्यवस्था उसकी अच्छी होगी। आज हमारे यहाँ स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी हाई है कि उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन, लेकिन जो गरीब परिवार से हैं उनको तो शिक्षा दीजिए आप, बेसिक एजुकेशन तो दीजिए, लेकिन वो एजुकेशन भी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। जो गवर्नमेंट जितना भी कर रही है वो पूरी तरीके से निष्फल है, वो पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं करप्शन भी जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर को तो छोड़िए, एजुकेशन सेक्टर में तो कुछ बड़ा काम करिए, कुछ नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ नहीं हुआ है। और यूथ अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको भी किसी उस तरीके की जो है छूट नहीं मिली है जिस तरीके की मिलनी चाहिए। जो उनके रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर इतने रूल्स थोप दिए जाते हैं कि वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले उसको दुनिया भर की झंझट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टीन नंबर, ऐसे इतने सिस्टम ला दिया गया है कि हो ही नहीं सकता है। और जब गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम में स्टार्टअप इंडिया आया था, बोला गया था कि एक एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, उसको अप्लाई करने के बाद में आपको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टार्टअप इंडिया में आया था। कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है।
जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, एजुकेशन कहीं नहीं है, जॉब है ही नहीं, कुछ नहीं है। इतनी जितनी जॉब्स अभी आप देख रहे होंगे बैंक्स में है या फिर वहां है, ये सारे पहले भी थे। यार ये बताइए, जितनी भी चीजें इस गवर्नमेंट ने किया है, इस गवर्नमेंट में हुआ है, बहुत सारी चीजें अच्छी, मैं मानता हूँ बैंक्स के अकाउंट्स खुला दिए गए, अच्छे थे, मैं मानता हूँ आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, LPG सब्सिडी हो गया, नोटबंदी हो गया, GST आ गया, कितने गरीबों को फायदा मिला, कितने पढ़े लिखे लोगों को फायदा मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजें बेसिक चीजें हैं हमारे यहाँ की, जो हर एक भारतवासी को मिलनी चाहिए। कितने लोगों को मिला इन सब चीजों से? नोटबंदी हुई तो लाइन में कौन लगा? गरीब लगा, मिडिल क्लास लगा, अमीर अपने AC में कमरे में बैठ करके ऐश कर रहे थे, उनको उतना फर्क नहीं पड़ा। वो सब आज फिर से वही सब हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का अभी भी काम चल रहा है, सब उसी तरीके से है, ठीक है। GST आया, GST अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से क्या इसमें पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ GST में आया गया है? अगर अभी मोटर व्हीकल लिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग व्हीकल से, अगर 2-व्हीलर है या 4-व्हीलर है, अगर यहाँ पर अगर आता है तो RTO का जो है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस यहाँ पर है, तो RTO का हर जगह पर अलग अलग चार्जेस हैं, परिवहन विभाग अलग अलग चार्ज करता है हर स्टेट में, स्टेट वाइज अलग अलग है। तो यहाँ पर फिर कैसे वन नेशन वन टैक्स कैसे हो सकता है? आज मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में जो 2-व्हीलर है या 4-व्हीलर है वो अलग कॉस्ट है उसकी, क्योंकि उसमें RTO अलग चार्ज करता है। यही चीज़ महाराष्ट्र है, वो स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्ज करेगी। तो वन नेशन वन टैक्स कहाँ से हुआ? तो यहाँ से तो GST भी फेल हो रहा है, जो GST का ये लेकर चले थे कि वन नेशन वन टैक्स, ये भी तो नहीं फॉलो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कमी रह गई है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम मेन मैं फोकस करना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम पे। तो एजुकेशन सिस्टम की बात यही है कि एजुकेशन सिस्टम में पहली चीज से देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से हमारे यहाँ की बेकार है, ठीक है, पूरी तरीके से बेकार है। सीधी सी बात है कि शुरू से लेकर के हम लोगों को या आप लोगों को, सभी लोगों को पढ़ाया जाता है A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B², इसका यूज कहाँ पर है कोई बता दे? हम लोगों को पढ़ाता है गॉसियन थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, बहुत सारे नियम्स पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, इन सब का यूज कहाँ है बता दे हमको कोई? आज तक मैंने नहीं देखा कि गॉसियन थ्योरम हमने कभी नहीं लगाया, आज तक मैंने जो है मैक्सवेल की इक्वेशन हमने कहीं नहीं लगाई अपनी रियल लाइफ में, कहीं कोई यूज ही नहीं है। ऐसी चीजें क्यों पढ़ाई जाती है? क्लास 6 से लेकर के 6 तक की मैं मानता हूँ बेसिक एजुकेशन है जो एवरेज स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, वो दीजिए आप, लेकिन 6 के बाद की जो एजुकेशन है उसमें सुधार करिए ना आप। 6 से 12th के बीच में जो ये खेल है ना, ये सब क्या खेल है, ये जो पढ़ाया जाता है इसको थोड़ा सुधारिए कि अगर स्टूडेंट को अगर एक मोटो हो स्टूडेंट का वहां तक वो जाए। आप शेड्यूल को इस तरीके से बनाइए, सिलेबस को इस तरीके से बनाइए, रिशेड्यूल करिए, जिससे कि जो है बच्चा आफ्टर 12th या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन उसको जॉब मिल सके, उसको लगे कि हम रियल लाइफ में हम इसका यूज कर पा रहे हैं, तभी उसकी एजुकेशन सक्सेस है। अदरवाइज 12 और 14 साल की पढ़ाई करने के बाद में लड़का अगर निकलता है और रोड पर खड़ा होता है तो दैट मीन्स बेकार है सब, उसकी 12 साल की मेहनत बेकार हो गई, 14 साल की मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन करता है 14-3-17, 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, इंजीनियरिंग करता है 14-4-18, तो इतने साल अगर लड़का पढ़ाई करता है तो ये मजाक नहीं है, इसको सीरियसली होना चाहिए गवर्नमेंट को, इसको रिशेड्यूल करना चाहिए। क्योंकि रिशेड्यूल जब तक नहीं होगा, जब तक सिलेबस में चेंजेस नहीं होंगे, तब तक रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, तब तक लोग स्किल्ड नहीं होंगे। हम लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ना कि ये जो है ट्रेडिशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए,
जो 6 से 12 तक की एजुकेशन है। अब बात करते हैं 12th के बाद की एजुकेशन की। 12th तक का एजुकेशन तो सब लोग दिला लेते हैं जो गार्जियन होते हैं, लेकिन 12वीं के बाद की पढ़ाई सब कोई नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि जिनके पास तो पैसा है वो तो सोच लिए चलो पढ़ा देते हैं, जिनके पास नहीं है उन्होंने जो है कोई दूसरा कोर्स करा दिया, लेकिन उससे किस हद तक जो है उनको फायदा मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जिसने जो है इंजीनियरिंग कर लिया, जिसने कोई कोर्सेस कर लिया, उसमें कितना सिखाया गया, जितने थ्योरम जितनी बुक्स पढ़ाई जाती हैं कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं है, ये तो खुला चैलेंज है। जितनी किताबें पढ़ा दी गई इंजीनियरिंग में 50-60 किताबें पढ़ा दी जाती हैं 4 साल में बच्चे को, उसका एक इक्वेशन का यूज रियल लाइफ में कोई बता दे, कहीं नहीं है साहब, कहीं नहीं है। एजुकेशन को इस तरीके से मजाक है, और कोई भी शिक्षा मंत्री, कोई भी देश का मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी मतलब कि जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ मेंबर है, इस सवाल को नहीं उठाने वाला है, ठीक है। कोई भी एजुकेशन सेक्टर बोलने वाला नहीं है, डर लगता है कोई बोलना नहीं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसा लगेगा, इसमें घोटाला नहीं हो पाएगा ज़्यादा, ठीक है, इनको दिखाना होगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। रोड बनवाना और नए रूल्स लाना ये सब कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन एक जमीनी स्तर पे कोई काम करना बहुत कठिन होता है। लाइए अगर देश को अगर विकसित करना है, देश से गरीबी हटानी है, तो आप सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, और इस वीडियो के फॉरवर्ड करने के माध्यम से सबको बताइए कि जो है एजुकेशन सिस्टम में रेसिड्यूल होना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, ना कि आफ्टर 12th स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको क्लास 6 से स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो 12th के बाद तक, यानी कि 4-5 साल तक 12th तक करने के बाद ही उनको एजुकेशन मिल सके। ये पैसा बनाने की जो है मुहिम हटा देनी चाहिए उनको। अगर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाने लगेगा उनको क्लास 6 से ही, तो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े बड़े ये भी बंद होने लगेंगे, या फिर इनको और अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। जिनके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करिए आप, तब जाकर के हो पाएगा। इस तरीके से नहीं कि नकल से हो रहा है। अभी आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर जो है फेक जो है प्रोवाइड किया है, डिग्री प्रोवाइड किया है, बीए के चाहिए, बीएससी के चाहिए, बीकॉम के चाहिए, आप डिस्टेंस नाम बोल करके और जो है डिग्रियां प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, मैं नाम बता सकता हूँ यूनिवर्सिटीज की, आप जाइए, बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे, जाकर के एक स्टिंग ऑपरेशन करिए, देखिए जाकर के क्या हाल है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है। अगर एजुकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो स्किल्ड नहीं होगा बच्चा, स्किल्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात जॉब नहीं मिलेगी। 10 लाख लड़का फॉर्म के लिए अप्लाई करता है और जो है वैकेंसी होती है केवल 100-200 वैकेंसी होती है, और 10 लाख लड़का फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए लड़के को, अगर जो है अगर टीवी बनाना आता है तो टीवी बनाने की ट्रेनिंग उसको दीजिए ना, स्किल्ड रहे जिससे वो बेरोजगार ना रहे। आप बेरोजगारी भत्ता बंद करिए ना, आप लाइए ना स्किल्ड कराइए उसको, उसको जो है गाड़ी बनाना सिखाइए, उसको जो है कार बनाना सिखाइए, उसको जो है पेंटिंग करना सिखाइए, उसको जो है अगर वो कारपेंटर बनना चाहता है कारपेंटर बनाना चाहिए, इंटीरियर डिजाइनिंग सिखाइए। ये सब जो चीज़ें हैं उसको क्लास 6 से ही एक बेसिक लेवल पे सिखानी चाहिए। ये सब नहीं हो पाता है, तभी जाकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था सही हो पाएगी। और तो और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। देखिए रीजन एक ये भी है कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसका भी एक रीजन है क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं होता है, या फिर वो जानते हैं कि एजुकेशन पढ़ा लिखा करके भी क्या कर लेंगे, वो फलाने का लड़का इतना पढ़ लिया है तो उसने कौन सा तीर मार लिया है, फलाने का लड़का यहाँ से पढ़ के आया है तो उसने क्या कर लिया है, तो दिक्कत यही है। क्योंकि अगर जिसके पास पैसा नहीं है या फिर उसके पास पैसे की लिमिटेशन है वो नहीं पढ़ाता है, तो मानता हूँ क्लास 6 क्लास 4 तक ही पढ़ा दिया उसने, बहुत है। बहुत सारे ऐसे गांव में ऐसे एक गरीब घर के लोग होते हैं जो पहले से ही स्किल प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस पर लगा देते हैं बच्चे को, कुछ ना कुछ जो है दुकान खुलवा देते हैं और उसको पढ़ाते हैं वो भी लोग, लेकिन उन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और मतलब कि पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक गवर्नमेंट से ये अपील है हमारी कि कृपया करके जो है एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करें,
एजुकेट जितने भी जो है स्कीमें हैं जमीनी स्तर पे लाएं, ठीक है, और उनको लोगों को जागरूक करें और स्कूलों की व्यवस्था अच्छी करें। और मैं कहता हूं कि जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जांच करें और उनको अच्छा बनाएं। ऐसी ही फर्जी डिग्री मत बांटी जाए, ये अपील है गवर्नमेंट से। और सिलेबस को हो सके तो रिशेड्यूल करें। रिशेड्यूल करने के लिए हमें अगर वो एक वेबसाइट पोर्टल बना करके वहां पे रिक्वेस्ट मांगेंगे तो हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स, लाखों यूथ जो है वहां पर रिक्वेस्ट भेजेंगे कि क्या होना चाहिए, वो चेंजेस करे गवर्नमेंट अगर अच्छे हों। इस तरीके से जितने भी लीडर हैं, जितने भी जो है विद्यार्थी परिषद के लीडर हैं, विद्यार्थी संघ के लीडर हैं, वो भी लीडर से हट करके, लीडरशिप से ऊपर उठ करके काम करें और एजुकेशन सेक्टर में सुधार करने के लिए कोशिश करें, तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और जिससे हमारा देश विकसित होगा, डेवलप होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और ये वीडियो इतना वायरल करिए कि मतलब गवर्नमेंट तक पता चले कि हाँ ठीक है, रिशेड्यूल होना चाहिए। सपोर्ट दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक। इस वीडियो को मैंने कहीं एडिट नहीं करूंगा, इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, कोई गलती हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर करिए आप। और कोई भी राय है आपकी तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और भी अन्य वीडियो के लिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े इस वीडियो को और आसानी से नेक्स्ट वीडियो आपके होम पेज पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।